हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुंदूर की एकदम बहुत ही बढ़िया मज़ेदार सूखा सब्ज़ी। आप इसे एक बार घर में बना के देखिए, आप इसका दीवाना बन जाओगे। इतना टेस्टी और स्वादिष्ट बन के तैयार हुआ है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने आधा किलो कुंदूर लिया है और सबसे पहले इसे अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। तो काटने से पहले हमने वॉश करके रखा है इसे, और कोई भी सब्ज़ी आप काटने से पहले ही वॉश कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसे काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कुंदूर को जो है ना हम पतला पतला काट लेंगे। तो एक कुंदूर को आप चार हिस्सा या छः हिस्सों में काट सकते हैं। तो जितना पतला करेंगे उतना जल्दी हमारा ये सब्ज़ी बनके तैयार हो सकता है। तो देखिए, ये हमने काट के तैयार कर लिया है, तो बस आपको ऐसे ही काट लेना है। और इसमें आलू हम ऐड नहीं करेंगे, बस कुंदूर के साथ ही बनाएंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने डाल देता हूँ रिफाइंड ऑयल, तो आप चाहे तो सरसों का ऑयल भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तेल थोड़ा गर्म होने के बाद हम डालेंगे उड़द दाल, और थोड़ा सा सरसों भी डाल देंगे, और यहाँ पर आधा छोटे चम्मच जीरा भी मैंने इसमें डाल देता हूँ, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। तो गैस का फ्लेम करेंगे लो, और इसे थोड़ा सा चलाते हुए हम मिक्स कर देना है, मतलब फ्राई कर लेना है, ताकि थोड़ा सा ये जो उड़द दाल है ना, इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने हल्दी इसमें ऐड कर दिया है, और तुरंत बाद हमने कुंदूर को ऐड कर देंगे इसमें, और इसे चलाते हुए बढ़िया से आपको मिक्स कर देना है। तो गैस का फ्लेम आपको मीडियम पे रखना है, और स्वाद अनुसार अभी हम नमक डाल देंगे। तो जैसे कि आपने देखा, मैंने हल्दी और नमक एक ही साथ ऐड कर लिया है, और इसे खुले में हम 2 से 3 मिनट तक हम इसे थोड़ा सा चलाते हुए पकाना है, ताकि बढ़िया सा जो तड़का है ना, इसके साथ मिक्स हो जाए। फिर हम कवर करके इसे 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम और लो फ्लेम में हम पकाएंगे, और बीच बीच में आप थोड़ा सा चला दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, हम दूसरा साइड में हम ले लेंगे एक फ्राई पैन, और इसमें मैं डाल देता हूँ एक कटोरी मूंगफली यानी कि पीनट, और इसे 4 से 5 मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे मीडियम और लो फ्लेम में, बढ़िया सा क्रिस्पी बना के तैयार करेंगे। और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 4-5 सूखा लाल मिर्ची। तो 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम मिर्ची डाल देंगे, और इसी के साथ हम इसे फ्राई करेंगे, बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो देखिए, मूंगफली हमारा रेडी है। तो बाद में ठंडा करके इसे हम ग्राइंड करेंगे, मतलब दरदरा पीस के इसका पाउडर बना के हम तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये 8 से 10 मिनट हो चुका है हमारा ये कुंदूर, तो अच्छा से ये देखिए बॉयल हो चुका है, और इसे खुले में 1 और 2 मिनट के लिए और हम पकाएंगे बिना ढक्कन लगा के, ताकि थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए, हमारा कुंदूर भी रेडी है। तो जो हमने मूंगफली का पाउडर बना के रखे थे ना, तो वो अभी हम इसमें डाल देंगे। तो 3 से 4 बड़े चम्मच आपको इसमें ऐड कर देना है। अगर आप जो चिली आपने इसमें ऐड किया था, अगर वो स्पाइसी नहीं है, तो थोड़ा सा चिली पाउडर भी आप इसमें या चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच मूंगफली का पाउडर मैंने डाल दिया है। तो याद रखिए, मूंगफली का पाउडर थोड़ा सा आपको दरदरा पीसना है, बारीकी बिल्कुल नहीं पीसना है। तो इसे डालने के बाद हमको मिक्स कर देना है, और इसमें दूसरा कोई भी मसाला हम ऐड नहीं करेंगे, और इसे 1 मिनट के लिए हम थोड़ा सा और फ्राई करके गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देना है, इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर हमारा बढ़िया सा कुंदूर का रेसिपी बनके तैयार हो चुका है दोस्तों, आप ज़रूर बना के देखिए। ये बहुत ही बढ़िया एक साइड डिश रेसिपी है, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, और इसे बनाने के बाद घर में मांग मांग के डिमांड करेंगे कि इसी रेसिपी को बार बार बनाने के लिए। तो आप भी बनाइए, खाइए, और कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो रेसिपी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।